हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज है मौसम सुहाना, क्योंकि आज हुई है बहुत ही भारी वर्षा यहाँ पर हमारे यहाँ। और यहाँ पर आंधी और तूफान के साथ लगभग 2 घंटे तक बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन तब भी देखिए खेतों में यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है, क्योंकि धरती एकदम सूखी हुई थी। लेकिन मौसम हो गया है बहुत ठंडा, और अभी भी देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं काले काले, और कभी भी बारिश हो सकती है भयानक। और मौसम इतना ठंडा हो गया है कि एसी ऑफ हो गया है, पंखा ऑफ हो गया है, और हम लोग बाहर जो है घूम रहे हैं खेत में। यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, और क्योंकि थोड़ा सा गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि अब जान निकली तब जान निकली, लेकिन बारिश हो गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी और बारिश होगी, क्योंकि आसमान में देखिए काले काले बादल छाए हुए हैं और हवा अच्छी चल रही है। और कल्पना यहाँ पर जो है खेत में बैठ के जो है ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, और बताइए क्या मोमेंट है कल्पना। सो गाइस, तो आप लोगों में किसको किसको जो है बारिश का जो मौसम है बहुत ज़्यादा पसंद है, और बारिश होती रहे झमाझम झमाझम, और साथ में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए और चाय मिल जाए, वो किसे पसंद है खाना बारिश के साथ में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन हम लोगों ने दिन में खा लिए थे समोसे, तो इसलिए पकौड़े का जो प्रोग्राम है हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। दिन में लगभग 3 समोसे मैंने खाए थे, तो इसलिए अभी पकौड़े नहीं खाएंगे। मन तो बहुत कर रहा है लेकिन पर खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हो गई है बारिश, और रास्ता नहीं बन पाया है, तो साइड से जो न्यू खुदी हुई थी, न्यू बनी हुई थी दीवार, तो उसी पर से हम लोग जा रहे हैं। तो वैसे मौसम जो है काफी खराब है, तो इसलिए हम लोग घर वापस वो ले रहे हैं, क्योंकि कभी भी तेज बारिश शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा हमारे जो आने जाने का रास्ता है ना, थोड़ा सा मिट्टी वहाँ पर चिकनी है, तो फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसलिए हम लोग घर निकल जा रहे हैं। क्योंकि पापा बोले थे कि मौसम खराब है तो तुम लोग मत जाओ बाहर, लेकिन तभी हम लोग चले आए हैं। और बूंदी पड़ने लगी है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी घर चलते हैं। चलो 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 जल्दी 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 चलो। मम्मी क्या कर रही हैं? तेल मल रही हैं। तभी इनको चने जा रहे हैं खिलाने के लिए। आज बॉयल चने खिलाएंगे मैं इनको, दांत है नहीं तो बॉयल किए हुए लोग चने खाते हैं। चाय बॉयल कर दें, बॉयल कर दें। गाइस, कल्पना को देखिए खा रही है लाई और नमकीन। मम्मी बोली आज तुम रुक जाओ, आज मैं तुमको पकौड़ी बना के खिलाऊंगी। तो कल्पना पकौड़ी के लालच में रुक गई, पकौड़ी तो मिली नहीं बेचारे लाई से काम चला रही है। पकौड़ी कहाँ बनने जा रही है, चना बॉयल होने जा रहा है। मम्मी तुम बहुत धोखेबाज हो। इडली खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। कल्पना इडली खाएंगे, दीदी बनाई है वही खाएंगे ना। मम्मी से पूछे मम्मी खाने में क्या बनेगा, तो मम्मी क्या कह रही है, लौकी की चावल बना लो और लौकी की सब्जी बना लो। बेचारी कल्पना को मिल गया धोखा, पकौड़ी के चक्कर में रुक गई। तो कल इसको पकौड़ी बना के खिला के, नाको पोछ के, तेल लगा करके, बैग पैक करके तब भेजेंगे। मम्मी गलत बात है ये, बेचारी लाई से काम चला रही है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए पकौड़ी इंतजार करते करते। तो गाइस, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ, किचन में बना रही हूँ पापा के लिए शाम की चाय। तो पापा दूध की चाय नहीं पीते हैं, पापा हमेशा नींबू की चाय पीते हैं जब भी पीते हैं, या फिर कॉफी पीते हैं। तो पापा के लिए इस समय मैं नींबू की चाय बना रही हूँ, और अपने लिए ही बना रही हूँ, मुझे भी नींबू की चाय जो है बहुत पसंद है। तो पापा के लिए बना रही थी, तो 1 कप अपने लिए ही मैं बना रही हूँ। पापा को फटाफट मैं नाश्ता देती हूँ, उसके बाद फिर रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और कल्पना भी आप लोगों को बोल रही है गुड मॉर्निंग, बोलो सब। गुड मॉर्निंग बोल रही है आप लोगों को। और इसमें बज रहे हैं सुबह के 7:30, और हम लोग नहा हुआ के तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता बनाने के। नाश्ते में क्या बना रहे हैं कल्पना, हम लोग आज बताओ सबको। प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी और चाय रहेगी। और खाने में क्या बनाएंगे, मुझे नहीं पता।
खाने कल्पना नहीं पता, खाने का मुझे मालूम है। तो खाने में बनेगी दाल, चने की रोटी, चावल और लौकी की सब्जी। तो दाल मैंने पका दी है और जो आटा था उसको भी मैंने गूंथ के रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ पकौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि कल्पना का पकौड़ी खाने का मन कल से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत तेज़ बारिश और कल्पना का मन कर रहा है पकौड़ियाँ खाने के लिए। तो कल्पना को आज जाना भी था, कल ही जाना था, लेकिन मम्मी ने इनको रोक लिया पकौड़ी का लालच दे करके, लेकिन पकौड़ी बना के नहीं खिलाई। तो कल्पना कल हो गई थी काफ़ी नाराज, तो इनको पकौड़ी कौड़ी खिला करके तब इनको हम आज विदा करते हैं। तो अभी कल्पना ने चाय रख दी है पकने के लिए, चाय बन गई है रखने ना पकने के लिए, और कढ़ाई में तेल भी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और सब कुछ मैंने तैयार कर दिया था। बस अब पकौड़ियाँ मतलब बनानी है, तो चलते हैं पकौड़ियाँ बनाते हैं, और आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाइए। और यहाँ पर ये देखिए चाय पक रही है, और कढ़ाई में सरसों का तेल जो है गर्म हो गया है पकौड़ियों को तलने के लिए, और यहाँ पर बैटर वगैरह भी सब रेडी हो चुका है। और कल्पना का जरा देखिए तो यहाँ प्लेट व्लेट लगा के तैयार हो गई है, बस खाना रहे, पहले निकाले तो सही तब तो खाओगे। हाँ, और यहाँ मेरा ये बैटर मेरा तैयार हो चुका है, प्याज का भी और आलू का भी। बस इसमें नमक मिलाना, नमक को मैंने पहले से नहीं मिलाया था, क्योंकि पहले से मिला देते तो फिर पानी रिलीज होने लगता, तो इसलिए, और ये गीला हो जाता तो पकौड़ियाँ नहीं बन पाती अच्छे से। तो अब इसमें फटाफट मैं नमक मिला लेती हूँ, फिर पकौड़ियों को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए आप लोग, दीदी यहाँ पकौड़ियाँ बना रही हैं गरम गरम कल्पना के लिए। कल्पना के लिए आप लोगों को भी खाना तो आ जाइए। मम्मी आई किचन लेके चली गई। मम्मी कहीं बनाओ तो लोग मैं खाऊंगी। कल्पना कह रही हूँ पकौड़ियाँ तो बहुत कम बना रही हो दीदी, क्योंकि कितना खाओगे और क्या कितना खाओगी। सो गाइस, तो यहाँ पर जो है प्याज की जो पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी है, और इस समय हम लोग बना रहे हैं आलू की पकौड़ियाँ, और चाय भी हमारी पक चुकी है। बस ये पकौड़ियाँ बन जाएँ फिर सब लोग साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। चटनी बनाई हो तीखी? अच्छा, चटनी बनाए थे तो बोल रही थी तीखी चटनी बनाई हो तो हिचकी नहीं आएगी मुझे। हाँ, तो तुम तीखी वाली चटनी क्यों खा रही, तुम्हारी वाले तुम्हारी जो बनाई वो भी तीखी, वो भी तीखी है और उसमें तो एक मिर्ची डाले थे ये, और पापा बिना मिर्ची का खाना इन लोगों को चाहिए, और बिना मिर्ची की चटनी चाहिए, बिना मिर्ची का पकौड़ा चाहिए, सब कुछ। और यहाँ देखिए क्या खा रही है, ये इडली खा रही है, कह रही है तुम लोग कल खाए थे आज तुम लोग को नहीं मिलेगा, खा लो। इडली बनाए थे कल इनके लिए, कल नहीं, कल कल नहीं खाई थी, कल नहीं खाई थी, कल नहीं खाई थी, खा लो। अच्छा खा लो। कल्पना हमारी खाने के लिए बेचारी बहुत परेशान रहती है, पकौड़ी भी देख देख लेना चाहिए, इडली के चक्कर में उन्होंने पकौड़ियों को नहीं देखा, और हम भी जो है ध्यान। तो ये लो, यहाँ पर ये देखिए नाश्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो कल्पना इसको प्लेट में लगा रही है, सर्व कर रही है, सबके लिए हो गया ना। चाय लेते हैं फटाफट। हाँ, मम्मी और ये बैठी हुई है नाश्ता कर रही हैं, पापा उधर बैठे हुए हैं सॉस के साथ खा रहे हैं, और ये रहा मेरा नाश्ता। तो गाइस, यहाँ मम्मी की जो तबीयत है ना ठीक नहीं है, इन्होंने दवा खाई है, तो कह रही है मैं चाय पीने के बाद सोऊंगी, तो हम लोगों ने बोला कि मम्मी सोना नहीं है, तो कह रही है प्लीज मुझे सोने देना, तुम लोग सोना है। हाँ। कितने घंटे सोना है? एक घंटा। नींद आ जाएगी पता नहीं कब तक सोएंगे। ठीक है, नींद आ जाएगी तो पता नहीं, हो सकता रात में उठे सीधे। प्लीज़ मुझे सोने देना मम्मी।
तो वैसे हम लोग का नाश्ता जो है हो चुका है, तो अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल्पना को जाना भी है, तो उसके लिए मैं पूड़ियाँ निकाल दे रही हूँ। आटा मैंने पहले से गूंद के रखा था, तो कल्पना पूड़ियाँ बेल रही है और मैं उसको तल लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। और कल्पना पूड़ी बन रही है, और कल्पना देखिए पूड़ियाँ बेलने में अपना टिफिन किस चीज़ की पूड़ी है कल्पना? चने की दाल की। चने को पीस के आटे में मिला के गूंदा गया है, बहुत ही मतलब टेस्टी होता है, साथ में हेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि इसमें चना मिला हुआ है और लहसुन मिला है। और अब चल रहे भैया फटाफट पूड़ियाँ बना लेते हैं। गाइस, तो मेरा जितना काम था सुबह का सब ख़त्म हो गया है, और एक लोग तो सोने में बिजी है, और कल्पना जो है रेडी हो चुकी है जाने के लिए। कहाँ है कल्पना? ये है तो कल्पना यहाँ पर अपना झबला उबला पहन के रेडी हो गई है। तुम्हारा बहुत टेढ़ा क्यों आता है वीडियो में? मेरा सीधा आता है तो कल्पना तैयार हो चुकी है, चलना पड़ेगा छोड़ने के लिए। पापा कब आओगी? कब आओगी तुम? अच्छा बना पकौड़ी गोड़ी खिला के इनको, पूड़ी वोड़ी बांध दिए हैं रास्ते के लिए। रक्षाबंधन पे आओगे? मम्मी मिट्टी गा रही है, उठ जाओ। तो आज यहाँ बारिश काफ़ी हुई है, तो मौसम ठंडा है और अभी भी मौसम बना हुआ है बारिश का। तो अभी दिन में बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो सकती है, काफ़ी बारिश हुई है, रात में भी काफ़ी बारिश हुई है। मौसम तो अच्छा लग ही रहा है, हम लोग भी अच्छे लग रहे हैं आज, थोड़ा गर्मी कम है तो तो सो गाइस, तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे कुकिंग चैनल को भी ज़रूर विजिट करिएगा। और कल्पना को हम बस में बैठा कर आते हैं, बाय बाय कर लो कल्पना, बाय बाय।